हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान पे। और आज हम फिर आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और ये जो नौकरी निकल रही है वो सर्व शिक्षा अभियान से निकल रही है। तो सर्व शिक्षा अभियान में एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यदि आप भी सर्व शिक्षा अभियान में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। तो इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये जो वैकेंसीज है वो सर्व शिक्षा अभियान से मिलती है। सर्व शिक्षा अभियान से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। यहाँ बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। महिला पुरुष यहाँ आपको बताया गया, लेकिन महिलाओं के लिए सबसे अच्छी जॉब यहाँ आपको जो है सर्व शिक्षा अभियान में मिल रही है। तो यदि आप महिला कैटेगरी से हैं तो इसको ये फॉर्म आपको जरूर अप्लाई करना है। इसके साथ आया जो है, इसमें आवेदन फीस फ्री नहीं है, केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ फ्री रखा गया है। केवल ये जो आवेदन फीस जो फ्री लिख रखा है यहाँ, ये केवल जो भूतपूर्व सैनिक है उन्हीं के लिए इसमें आवेदन फीस जो आपको नहीं देना होगा। हाँ, लेकिन इसका जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है इसका। और इसमें आपका कैसे सिलेक्शन होगा कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, कहाँ जॉब की लोकेशन रहने वाली है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस भर्ती रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में जानकारी जो है उपलब्ध करवा देंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले बेसिक जानकारी हिंदी में, और इसके बाद में इसका जो लोकल लैंग्वेज में जो नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है वो दिखाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले बात कर रही है सर्व शिक्षा अभियान मास्टर कैडर की, यहाँ वैकेंसी आपको मिल रही है। वैकेंसी जो है मास्टर कैडर की यहाँ आपको मिल रही है। यदि आप मास्टर कैडर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ, तो सभी विषयों की वैकेंसीज है, जिसमें आपकी हिंदी भी रहने वाली है, लोकल लैंग्वेज भी रहने वाली है, इसके साथ आपकी जो गणित भी रहने वाली है और सोशल स्टडीज भी आपकी यहाँ रहने वाली है। तो प्रत्येक विषय की जो वैकेंसीज आपको मिल रही है यहाँ मास्टर कैडर की, तो ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रोजगार अधिसूचना आपको जो है दी जा रही है। इसके साथ यहाँ पोस्ट नाम आपको जो बताया गया है कि मास्टर कैडर की वैकेंसी आपको यहाँ मिल रही है। पोस्ट जो आपको बताई है मास्टर कैडर, और इसमें टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज पदों की संख्या जो आपको बताई गई है 3000, यहाँ 3000 आपको कितनी पोस्ट बताई है, 704 वैकेंसी आपको यहाँ बताई है, यानी कि 3704 वैकेंसी जो इस भर्ती प्रक्रिया में आपको मिल रही है। यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, मास्टर कैडर की पोस्ट के लिए आप इसमें नौकरी प्राप्त करेंगे। इसके साथ बात करेंगे यहाँ फिर आपकी इसमें एज क्या होनी चाहिए, तो आयु सीमा आपकी जो है इसमें 18 से 37 वर्ष, 18 से 37 वर्ष है। और इसमें जो आयु की गणना है वो जो पिछली डेट थी उसी से ही की जाएगी। इसके साथ वेतन इसमें आपको नहीं बताया गया है कि कितना वेतन आपको इसमें मिलने वाला, तो नियमानुसार यहाँ आपको इसमें वेतन मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उन्हीं के आधार पर आपको इसमें पेमेंट मिलेगा, या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो पेमेंट मिलता है उसी में आपको जो है पेमेंट मिलेगा। जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अलग अलग पेमेंट मिलता है, उसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में भी शायद इसमें अलग अलग पेमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ इसमें पेमेंट क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर्व शिक्षा अभियान का जो पेमेंट है वो क्या रहने वाला है। इसके साथ बात करेंगे आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क जनरल और अन्य के लिए 1000 रुपये, एससी एसटी श्रेणी के लिए 500 रुपये हैं। और इसके साथ भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आवेदन फीस यहाँ नहीं देने होगा, यानी कि जो एग्जाम फीस है वो फ्री रहने वाला है। आवेदन कैसे करना है, आपको ऑनलाइन इसका आवेदन करना है, केवल ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, उसी वेबसाइट से आपको जो है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, अदर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आपको जो है फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। इसके साथ बात करेंगे चयन प्रक्रिया, चयन आपका इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, यानी कि रिटर्न आपका इसमें एग्जाम होने वाला है। और इसके साथ बात करेंगे योग्यता की है, उम्मीदवारों को स्नातक एवं बीएड होना चाहिए, यानी कि इसमें आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ यदि आपने बीएड कर रखी है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ बात करेंगे नौकरी स्थान क्या रहने वाला है, तो नौकरी ये जो राज्य से निकल रही है वो लोकेशन रहने वाली है पंजाब। यदि आप इसकी लास्ट डेट या अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको ये डिस्क्रिप्शन मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डेट संबंधित जानकारी मिल जाएगी, तो वहां जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट का, और वहीं आपको इसकी डेट मिल जाएगी, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।